खबर आगरा जनपद से, जहां दिनांक 24/1/2023 को आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ पूर्व एमएलसी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दिनांक 20/1/2023 को गांव भूखेड़ी जनपद मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के चीफ एवं आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद एवं क्षेत्रीय विधायक रालौत के मदन भैया गाँव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण करने तथा क्षेत्रीय जनता द्वारा मदन भैया को उपचुनाव में जिताने पर धन्यवाद देने के कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम स्थल के पास ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पार्टी के अन्य पदाधिकारियों की गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस भी मौजूद थी। इसी समय कार्यक्रम के दौरान ही कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर लाठी डंडों से गाड़ियों पर हमला बोल दिया। 6-7 गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पेट्रोल की बोतलें फेंक कर जलाने की भी कोशिश की। आरोपी की यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। इस घटना में कार्यक्रम में व्यवधान पैदा हुआ, लोगों में भय व्याप्त हो गया, गांव से लोग भागने लगे। इससे पूरे प्रदेश एवं देश में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। प्रेस वार्ता में सिकंदर बौद्ध पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी मंडल अध्यक्ष मुकेश ठेकेदार राजू अंसारी मंडल महासचिव रामपाल जिला प्रभारी आदि लोग उपस्थित रहे। ये सड़का समाज का होना है, ये कब तक चलेगा? सड़का समाज का नहीं है, ये पूरे व्यापारी समाज का धरना है, पूरे आगरे के व्यापारी समाज का धरना है। और व्यापारी एकजुट हो रहे हैं और सारे लोहा मंडी कमेटी से जुड़ रहे हैं, सारे व्यापारियों का हमें समर्थन प्राप्त है। और हमारे तरुण भैया जो रातों दिन इस काम में लगे रहते हैं, उनका बहुत बहुत तादिल से धन्यवाद। और उस वीर के लिए भी हम सब दुआ करेंगे, जिस वीर ने झपट्टा मार के अपराधी को पकड़ा और साथ जुटाया उसने, और अपराधियों के हौसले पस्त हो गए। और हालांकि उनका इलाज चल रहा है इमरजेंसी में, उसकी वीरता को सभी धन्यवाद करें। ऐसे वीरों की हमें जरूरत है आगे, क्योंकि दिन धाड़े वारदात में और उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर बदमाशों से भिड़ा और अपनी जान पे खेल गया वो, लेकिन अभी सुरक्षित है वो। और अभी तक कोई भी सरकारी प्रतिनिधि नेता विधायक कोई भी नहीं, कोई हमारे बीच में नहीं आया। हमारे व्यापारियों की ताकत भी बहुत है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें केवल अपने व्यापारियों का साथ चाहिए। हमें कोई नेता ना चाहिए, ना कोई हमें जनप्रतिनिधि चाहिए, केवल हमारे व्यापारी भाई। एकजुटता हमारी जो एकजुटता हमें देखने को मिल रही है, वही बहुत बड़ी ताकत है। हमारे भीम आर्मी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष सिकंदर बौद्ध जी, हमारी भीम आर्मी के आगरा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट जी, आज की ये प्रेस वार्ता आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, हमारी भीम आर्मी के संस्थापक भी हैं। भाई चंद्रशेखर जी पिछले 8 वर्ष से लगातार दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों की आवाज बुलंद करने का काम पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। अभी उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, खतौली विधानसभा मुजफ्फरनगर जनपद की है। वहां राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन जी ने हमारी पार्टी से समर्थन मांगा, हमारी पार्टी ने वहां समर्थन दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के निवेदन पर क्षेत्र की जनता ने बड़ी तादाद में मतदान किया। वह सीट 18,000 वोट से राष्ट्रीय लोकदल पिछले फरवरी के महीने में जो चुनाव हुआ 2022 में, उसमें हारी थी, लेकिन वही सीट हमारे सहयोग से 22,500 वोटों से जीत कर आई। तो क्षेत्र की जनता ने माननीय राष्ट्र साहब की प्रतिमा का गांव के लोगों ने अनावरण भी कार्यक्रम रखा था, और गांव के और आसपास के सभी क्षेत्रीय जनता को धन्यवाद भी देना था। तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी और रालोद के वहाँ के विजयी विधायक मदन भैया जी और पार्टी के सभी वहाँ स्थानीय पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहाँ कार्यक्रम कर रहे थे। सभा स्थल के पास ही गाड़ियां खड़ी थी, तो कार्यक्रम के दौरान ही अचानक असामाजिक तत्व आए, लाठी डंडे और बहुत से ऐसे चीजें लेकर उन्होंने वहां गाड़ियों पर एकदम हमला बोला। लाठी डंडों से सभी गाड़ियों के शीशे तोड़े, लाइटें तोड़ी, गाड़ियों के सभी सकते थे। और हम कुदरत का धन्यवाद करते हैं कि उस समय घटना के समय गाड़ियों में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी नहीं थे, वह कार्यक्रम स्थल पर सभा में
मंच पर थे, इसलिए जो असामाजिक तत्व हैं उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। हो सकता है वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या करने के मकसद से आए हों। आप सभी समझते हैं कि जब गाड़ियों को उन्होंने तोड़ा फोड़ा है, हमला किया है, तो उनकी मंशा केवल गाड़ियों तक ही सीमित नहीं थी, वह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हत्या भी करना चाहते थे। क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की भावनाएं उनके साथ हैं, तो भाई उस समय गाड़ी में ना होने की वजह से बच गए। घटना के बाद पूरे गांव में भय व्याप्त हुआ, लोगों में अफरा तफरी हो गई। यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश में फैल गई। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का संगठन पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में फैला हुआ है। लगातार 5 दिन से इस घटना को लेकर पूरे देश में आजाद समाज पार्टी के और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। आश्चर्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा बार बार कानून व्यवस्था को ठीक कहा जा रहा है और वह G20 के नाम से बाहर के, लेकिन इस घटना ने यह साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि 8 घटना को हुए 20 तारीख से लेकर आज 24 तारीख हो गई, अभी तक कोई मुजरिम स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किए गए। ये कोई छोटी घटना नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अमेरिका से जो द टाइम्स नाम की पत्रिका निकलती है, जो पूरे वर्ल्ड के उभरते हुए लोगों को समय समय पर प्रकाशित करती है, 2020 में द टाइम पत्रिका ने भारत के अंदर केवल अकेले नाम के रूप में और व्यक्ति के रूप में, उभरते हुए नेता के रूप में यदि किसी व्यक्ति का नाम अपनी मैगजीन में छापा तो वह हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक और पार्टी के अध्यक्ष भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद हैं। पत्रकार ने स्पष्ट लिखा कि पूरे भारत में ये अकेले उभरते हुए नेता हैं। तो हमारे नेता की लोकप्रियता बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर बढ़ रही है। इसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश की गुप्तचर संस्थाएं हैं, LIO है, पुलिस प्रशासन है, ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इससे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज के उभरते हुए नेताओं को इस देश का जो प्रशासन है, सरकारें हैं, वह आगे बढ़ना देखकर खुश नहीं होते हैं। ये देश गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर चलने वाला देश है। यहाँ पर जो सामाजिक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये तय किया है कि हम 27 तारीख को उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सभी जिला मुख्यालय पर हमारी पार्टी के लोग, भीम आर्मी के लोग, हमारी महिला मोर्चा, यूथ विंग, सभी लोग मिलकर धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, महामहिम राज्यपाल के नाम से ज्ञापन देंगे और हमारी मांग होगी कि शीघ्र से शीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और शीघ्र से शीघ्र हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो। इसका भी संज्ञान लेते हुए आगे जो भी कार्यक्रम हो, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएं या हमारे छोटे पदाधिकारी कार्यक्रम करते हैं, तो हम लोग पुलिस को सूचना देके परमिशन लेके करते हैं। जब पुलिस मौजूद रहती है तो फिर असामाजिक तत्वों की ये हिम्मत कैसे हुई कि वो इस प्रकार की घटना करे।